और चलिए इसी बीच सीधा बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आज फैसले का दिन है। पटना एनआईए की विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। केस में कुल 11 आरोपी हैं। आपको बता दें एक नाबालिग को सजा सुनाई जा चुकी है, बाकी 10 आरोपी बेउर जेल में बंद है। आरोपियों को बेउर जेल से एनआईए कोर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा। आपको बता दें 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में ये ब्लास्ट हुआ था। आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 85 लोग जख्मी हो गए थे। तो आपको बड़ी खबर बता दें, आज पटना ब्लास्ट केस में फैसले का दिन है। आपको बता दें पटना एनआईए विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आज फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें केस में कुल 11 आरोपी हैं, हालांकि एक नाबालिग को सजा सुनाई जा चुकी है, बाकी जो 10 आरोपी हैं वो बेउर जेल में बंद हैं। आरोपियों को बेउर जेल से एनआईए कोर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा। 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में ये ब्लास्ट हुआ था और 8 साल के बाद आज गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आज फैसले का दिन। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर संजय मौजूद है। संजय, क्या कुछ इस मामले को लेकर अहम जानकारी? और बिल्कुल, देखिए ये गांधी मैदान बम ब्लास्ट हुआ था उस मामले में आज फैसला आने वाला है। और चूंकि एनआईए के डीसीएस जज जो है गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा, उन्हीं के कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि ये घटना 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 जो है बम वो ब्लास्ट किए गए थे। और चूंकि सबसे पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो पटना जंक्शन पर हुआ था, क्योंकि वो मानव बम लेकर के ये पीएम जो मोदी है तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके कार से टकराना था, और लेकिन उससे पहले ही वो ब्लास्ट पटना जंक्शन पर ही हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। और उसके बाद जो है जिस तरीके से घटना हुई गांधी मैदान में, उसके बाद तकरीबन 6 लोग वहां पर मारे गए थे और उसके साथ साथ तकरीबन 80 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए थे। इस पूरे मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसमें बोध गया बम ब्लास्ट के भी आरोपी शामिल थे। और इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक नाबालिग था जो जुवेनाइल कोर्ट में उन्होंने सजा उसको सुनाया था। और उसके बाद जो 10 लोग थे वो उसमें सबसे जो अहम किरदार जो निभाया था हैदर अली उर्फ ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, उसे समेत जो है 10 लोगों को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेजा गया था और अभी भी बेउर जेल में बंद है और सभी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच बेउर जेल से पटना। तो संजय, कितने बजे तक फैसला आने की संभावना? जी, एक बार फिर से दोहराए, कितने बजे तक फैसला आने की संभावना? और बिल्कुल, देखिए ये फैसला जो है 1 बजे के आसपास जो है फैसला आने की संभावना जो जताई जा रही है, क्योंकि कोर्ट में जो जीरा थी वो सब हो चुकी है और आज उसको फैसला के लिए जो नियोजन पक्ष के वकील हैं वो खुद वहां पे खड़े होंगे और उस पर थोड़ी बहुत जो कागजी कार्रवाई होगी वो कागजी कार्रवाई होने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है संजय, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।